सो फ्रेंड्स, क्रिस्टोफर मार्लो की डॉक्टर फॉस्टस जो प्ले है उसका फुल टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। उसे हम कॉमनली बोलते हैं डॉक्टर फॉस्टस, जो कि पब्लिश हुआ था 1604 में। एंड इस प्ले पे क्रिस्टोफर मार्लो ने दिखाया है एक क्लैश ऑफ व्यूज बिटवीन द मेडिवल पीरियड एंड द इमर्जिंग रेनेसांस। सो यहाँ पे जो प्रोटैगोनिस्ट है वो है डॉक्टर फॉस्टस। सो यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टस की खुद की डिस्ट्रक्शन जो कि हुआ है डॉक्टर फॉस्टस के खुद की ग्रिट के लिए, फॉर नॉलेज, फॉर एक्वायरिंग मैजिक, ब्लैक मैजिक, फॉर लर्निंग ब्लैक मैजिक, इस सब के लिए, ठीक है। मतलब कि फॉस्टस ने पावर के लिए, वेल्थ के लिए एंड मटेरियलिस्टिक प्लीजर के लिए ह्यूमैनिटी को, स्पिरिचुअल गुडनेस को छोड़ दिया था। सो इसीलिए जैसे बोलते हैं कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है एंड बुरा कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है, इसीलिए फॉस्टस की कुछ बुरे कर्मों की वजह से उसे इटर्नल डैमनेशन की सामना करना पड़ा। सो फ्रेंड्स, अभी चलो जानते हैं द समरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। सो डॉक्टर फॉस्टस जो है वो एक जर्मन स्कॉलर है जो कि मेडिसिन, लॉजिक, लॉ एंड थियोलॉजी, ये सब नॉलेज एक्वायर करने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हुए। एंड उसे क्या था, उसे एक ग्रीड था फॉर नॉलेजेस, कि जितने ज़्यादा नॉलेज वो एक्वायर कर सके। सो इसीलिए वो समथिंग मोर नॉलेज एक्वायर करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एंड फाइनली उसने एक दिन डिसाइड किया है कि उसे ब्लैक मैजिक सीखना है, मतलब जिसे हम कहते हैं डार्क आर्ट ऑफ मैजिक, ठीक है। सो इसके बाद इसे मैजिक सीखने के लिए फाइनली फॉस्टस ने अपनी सोल को, मतलब अपनी आत्मा को, अपने आप को डेविल्स को बेच दिया इन ऑर्डर टू लर्न ब्लैक मैजिक। सो फॉस्टस की अपनी आत्मा को डेविल्स को बेचने से पहले फॉस्टस के पास दो एंजल्स आते हैं, दो एंजल्स, एक है गुड एंजल एंड एक है एविल एंजल। सो एविल एंजल फॉस्टस को सपोर्ट करते हैं कि हाँ, तुम अपनी आत्मा को बेच दो एंड ब्लैक मैजिक सीखो। लेकिन गुड एंजल बोलते हैं फॉस्टस को और इनकरेज करते हैं कि ये सब मैजिक फैजिक छोड़ो, ब्लैक मैजिक सीखना छोड़ो एंड स्क्रिप्चर्स पढ़ना सीखो, ताकि तुम अच्छे एक इंसान भी बनो एंड उसके साथ हेवन पे भी जाओ मरने के बाद, ठीक है। लेकिन फॉस्टस जो है वो गुड एंजल की बात नहीं सुनते हैं, बल्कि ईविल एंजल की बात सुनते हैं एंड ही वॉन्ट्स टू लर्न ब्लैक मैजिक। उसके बाद फॉस्टस के जो फ्रेंड्स आते हैं जिनका नाम है वेल्स एंड कॉर्नेलियस, जो कि फॉस्टस की जो डिसीशन है ब्लैक मैजिक सीखने का, उस डिसीशन पे फॉस्टस का साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसके बाद वेल्स एंड कॉर्नेलियस फॉस्टस को बोलते हैं कि अगर तुम ब्लैक मैजिक सीख जाओ तो फिर तुम बहुत वेल्दी भी हो जाओगे एंड पॉपुलर भी हो जाओगे। सो ये सब सुनने के बाद फॉस्टस जो है वो एक डेविल जो है जिनका नाम है मेफिस्टोफिलिस, जो कि हेल पे रहता है, तो फॉस्टस मेफिस्टोफिलिस को हेल से बुलाते हैं एंड मेफिस्टोफिलिस से आकर फॉस्टस से पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया। फिर फॉस्टस बोलते हैं कि मैं ब्लैक मैजिक सीखना चाहती हूँ। इसके बाद मेफिस्टोफिलिस लूसीफर के बारे में फॉस्टस को बताते हैं। लूसीफर जो है वो है मेफिस्टोफिलिस का बॉस, जो लूसीफर जो है उसे कहा जाता है प्रिंस ऑफ ईविल और प्रिंस ऑफ डेविल। फिर मेफिस्टोफिलिस फॉस्टस को बोलते हैं कि लूसीफर पहले गॉड का एंजल था, लेकिन लूसीफर की अपनी प्राइड के लिए उसे हेवन से निकाल दिया गया एंड अभी लूसीफर जो है वो हेल की डेविल है। अभी फॉस्टस लूसीफर को अपनी सोल देने के लिए राजी हो जाते हैं इन एक्सचेंज फॉर 24 इयर्स ऑफ सर्विस फ्रॉम मेफिस्टोफिलिस। मतलब एक बहुत ही ज्यादा फुलिश डिसीशन है बाय डॉक्टर फॉस्टस। मतलब कि फॉस्टस अपनी सोल को डेविल्स को बेच दिया है, बदले में उसे क्या चाहिए, उसे ब्लैक मैजिक सीखना है एंड मेफिस्टोफिलिस की सर्विस उसे चाहिए। मतलब मेफिस्टोफिलिस 24 इयर्स फॉस्टस को सर्विस देगा। तो इसलिए लूसीफर जो है फॉस्टस की डील मानते हैं एंड लूसीफर फॉस्टस को बोलते हैं कि एक डॉक्यूमेंट पे साइन करना होगा। तो इसीलिए ठीक है, फॉस्टस भी मान जाते हैं एंड फॉस्टस अपने हाथ काटते हैं क्योंकि ब्लड से साइन करना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, फॉस्टस की अपनी ब्लड से साइन करना होगा। लेकिन फॉस्टस एक चीज़ देखते हैं कि वो जब अपने हाथ पे कट करते हैं तो ब्लड जो है वो फ्लो नहीं होता, ब्लड जो है सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब ब्लड जो है वो सॉलिड हो गया था। इसे देख के फॉस्टस थोड़ा सा डाउट पे पड़ गया कि मैं क्या ये सही कर रही हूँ। सो एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन जो है, कॉन्शियसनेस, वो फॉस्टस पे थोड़ा सा हावी हो गया था कि मैं क्या ये सही डिसीशन ले रही हूँ या गलत। लेकिन जब तक फॉस्टस से सोचती सही गलत के बीच जो फर्क है वो फॉस्टस जब तक सोच पाते, मेफिस्टोफिलिस क्या करते हैं, मेफिस्टोफिलिस
फायर फायर को यूज करके फॉस्टस की सॉलिड ब्लड को मेल्ट कर देते हैं, एंड फॉस्टस भी वो मेल्टेड ब्लड लेके अच्छे बच्चे की तरह डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं, एंड इसी तरह फॉस्टस अपने सोल को, अपने आप को डेविल्स को भेज देते हैं। सो जैसे ही फॉस्टस ये करते हैं, तभी फॉस्टस के आर्म पे दो वर्ड अपेयर होते हैं, जो वर्ड्स है होमोफ्यूज, जो एक लैटिन वर्ड है। होमोफ्यूज एक लैटिन वर्ड है, इसकी इंग्लिश मीनिंग है ओ मैन फ्लाई। सो इसके बाद मेफिस्टोफेलिस जो है वो एक बुक, एक स्पेल्स की बुक, मतलब एक जादुई एक बुक लेके फॉस्टस के सामने हाजिर होता है, एंड एक एक करके फॉस्टस की सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। लेकिन फॉस्टस जब मेफिस्टोफेलिस से पूछते हैं कि इस यूनिवर्स को किसने क्रिएट किया, तब मेफिस्टोफेलिस इस चीज का उत्तर आंसर नहीं देता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बिलीव गॉड हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स, एंड मेफिस्टोफेलिस जो है वो गॉड के नाम नहीं लेना चाहता था फॉस्टस के सामने, ठीक है। सो मेफिस्टोफेलिस की इस अनआंसर्ड नेचर को देख के फॉस्टस फिर से अपने डिसीजन को लेके डाउट करने लगे। सो फॉस्टस के डाउट को देख के मेफिस्टोफेलिस जो है लूसिफर को बुलाते हैं, एंड अनादर एक डेविल बेल्जीबाब, जिनका नाम है बेल्जीबाब, को बुलाते हैं। फिर लूसिफर आके फॉस्टस को बोलते हैं कि डाउट करना छोड़ो एंड एंजॉय द एंटरटेनमेंट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। सो उसके बाद लूसिफर फॉस्टस के लिए सेवन डेडली सिंस की एक शो की अरेंजमेंट करते हैं, जिसे देख के फॉस्टस बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एंड एंजॉय करते हैं उस शो को। सो सेवन डेडली सिंस क्या है? प्राइड, कोविशसनेस, रैथ, एनवी, ग्लूटनी, स्लॉथ एंड लेचरी। फ्रेंड्स, सेवन डेडली सिंस के बारे में दो डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके चेक कर लो। सो एज टाइम पर्सेस फॉस्टस लर्न्स ब्लैक मैजिक, एंड अभी फॉस्टस क्या कर रहा है, वो ब्लैक मैजिक यूज कर रहा है फॉर ट्रैवलिंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए वो ब्लैक मैजिक यूज कर रहे हैं। सो इसके बाद फॉस्टस एंड मेफिस्टोफेलिस एक दिन रोम की एक कोर्ट पे जाके हाजिर होता है, जहाँ पे पोप एड्रियन प्रेजेंट थे। इसके बाद फॉस्टस जो है इनविजिबल हो जाता है, ताकि वो पोप के साथ कुछ प्रैंक्स कर सके, कुछ शैतानी कर सके, जैसे कि पोप की कोर्ट से फूड चोरी करना, फिर पोप को थप्पड़ लगाना, ऐसा काम फॉस्टस कर रहा था। सो फ्रेंड्स, आप देखो अभी जब फॉस्टस के पास मैजिक है, सो इसके लिए वो उस मैजिक को अपने प्लीजर के लिए, कुछ स्टूपिड सी कुछ चीज़ों के लिए यूज कर रहा था। इसके बाद मेफिस्टोफेलिस एंड फॉस्टस ने ब्रूनो नाम के एक जर्मन कैदी को पोप की पनिशमेंट से आज़ाद कर दिया था। इसके बाद जर्मन की जो एम्परर है, जर्मन की जो किंग है, उन्होंने मेफिस्टोफेलिस एंड फॉस्टस को इनवाइट करते हैं जर्मन आने के लिए, बिकॉज मेफिस्टोफेलिस एंड फॉस्टस ने ब्रूनो को आज़ाद कर दिया था पोप की प्रिजन से। एक्चुअली उस टाइम पे जर्मन के जो एम्परर था वो था चार्ल्स द फाइव और चार्ल्स द फिफ्थ, एंड वो चार्ल्स जो था, चार्ल्स द फिफ्थ, वो पोप की दुश्मन था। सो उसके बाद जब फॉस्टस चार्ल्स द फिफ्थ की कोर्ट पे विजिट करते हैं, तभी वहाँ पे चार्ल्स द फिफ्थ फॉस्टस को बोलते हैं कि उन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखना है। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट एक मैकेडोनियन किंग है, एंड वो एक कॉन्करर भी है। फॉस्टस अपने मैजिक से अलेक्जेंडर की एक इमेज बिल्ड करते हैं, एंड चार्ल्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन चार्ल्स द फिफ्थ की कोर्ट पे बेनवोलियो नाम की एक व्यक्ति था, जो कि फॉस्टस की पावर को लेके मोक किया था। सो फिर फॉस्टस ने उनको पनिश कर दिया। सो फिर इसी दिन हमें एक और कैरेक्टर के बारे में जानना है, जिनका नाम है वेगनर। वेगनर एक्चुअली फॉस्टस की सर्वेंट है, एंड वेगनर भी कुछ मैजिकल एबिलिटीज हासिल की है, एंड उससे वेगनर एक और कैरेक्टर जिसका नाम है रॉबिन, उसे अपने सर्विस पे लगाया था, मतलब अपनी रॉबिन को वेगनर अपने सर्वेंट बनाया था, ठीक है। एंड जैसे ही समय जा रहा था, रॉबिन भी मैजिक सीख के वो अपनी तरह एक क्लाउन जिनका नाम है रेफ, उसके साथ कुछ कॉमिक मिस एडवेंचर्स करते हैं, एंड रॉबिन मैजिक फैजिक करके मेफिस्टोफेलिस को भी बुला लेते हैं, एंड मेफिस्टोफेलिस वहाँ पे आके रॉबिन को और रेफ को डराते हैं कि ये सारे फुलिशनेस, ये सारे मिस एडवेंचर्स बंद करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को एनिमल बना दूंगी।
ओके, इसके बाद फास्टस के जो 24 ईयर्स की सर्विस था जो मेविस फास्टस को देने वाला था, वो बहुत ही जल्द लाइक एंड होने वाला था तभी। लेकिन फास्टस जितना अपनी मौत के करीब जा रहा था, मौत के करीब मतलब 24 ईयर्स सर्विस ख़त्म हो रहा था, तो फास्टस को अभी तो हेल में जाना ही पड़ेगा, हेल में सर्व करना होगा। सो दैट्स वाई फास्टस जो था अपनी लास्ट के दिनों में, लास्ट के बची कुछ ही दिनों में बहुत ही ज़्यादा पार्टी कर रहा था, मज़े कर रहा था। और फिर वो वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन जिसे कहा जाता है हेलेन, हेलेन ऑफ ट्रॉय, मतलब ट्रॉय की जो हेलेन है उसे कहा जाता है वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथोलॉजी। ओके, सो फास्टस मेविस्टोफेलिस को बोलते हैं कि हेलेन को मेरे लिए ला दो ताकि मैं हेलेन के साथ अपनी बाकी बची कुछ जिंदगी पार कर सकूँ। तभी एक ओल्ड मैन आके फास्टस को समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी तुम्हारी जो मौत है, तुम्हारी जो एंड है वो करीब आ रहा है, तो अभी भी समय है, तुम प्रायश्चित करो, तुम रिपेंट करो अपनी रॉन्ग डूइंग्स के लिए। लेकिन फास्टस उनकी बातों पे कान नहीं देते हुए वो मेविस्टोफेलिस को बोलते हैं कि हेलेन को मेरे लिए ला दो, एंड मेविस्टोफेलिस भी एग्री हो जाते हैं फास्टस की बातों से। सो इसके बाद जैसे जैसे फास्टस की मौत के समय, मौत के घंटा जब जैसे जैसे करीब आ रहा था, तो फिर फास्टस को होश आया कि उसने बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स की है। फिर फास्टस अपने अपकमिंग एंड के बारे में, अपनी अपकमिंग डेथ के बारे में अपने फेलो स्कॉलर्स से बात करते हैं, एंड वो लोग बहुत डर जाते हैं, एंड वो स्कॉलर्स बोलते हैं कि स्कॉलर्स लोग फास्टस के लिए प्रे करेगा। तो फास्टस भी बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो गए कि वो मेविस्टोफेलिस की बातों में क्यों आया, क्यों फास्टस ने अपने सोल को डेविल को बेच दिया। सो इन सारी बात, ये सारी बातें फास्टस अपनी फेलो स्कॉलर से बोल रहा था, एंड फास्टस की जो स्कॉलर्स था, फेलो स्कॉलर्स था, वो लोग बोलते हैं कि वो लोग फास्टस के लिए प्रे करेगा। ठीक है, तो उसके बाद दो एंजल आते हैं फिर से, एविल एंजल एंड गुड एंजल। सो एविल एंजल फास्टस को दिखाते हैं हेल की तस्वीर एंड एंडलेस टॉर्चर्स ऑफ हेल, एंड गुड एंजल जो था वो फास्टस को दिखाते हैं हेवन, हेवन को दिखाते हैं, एंड वो फास्टस को ये भी दिखाते हैं कि फास्टस के लिए हेवन की दरवाज़ा, स्वर्ग की दरवाज़ा बंद है, क्योंकि फास्टस बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है, फास्टस बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म कर चुके हैं। सो फास्टस अभी मर्सी के लिए, मतलब कि क्षमा के लिए भीख मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे हेल पे मत लेके जाओ। लेकिन फास्टस की जो है रिपेंटेशन, ये जो अपनी उपलब्धि की उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, ये उपलब्धि उसे बहुत ही ज़्यादा देर से हुई है, क्योंकि अभी जो है क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट, मतलब 12 बजे मिडनाइट को फास्टस को लेने, और हम कह सकते हैं फास्टस की बॉडी को लेने डेविल्स, एक डेविल्स की ग्रुप आ गया था ताकि वो लोग फास्टस की बॉडी को हेल पे ले जा सके। सो उसके अगले दिन, मतलब सुबह को, फास्टस की जो फ्रेंड्स था, जो स्कॉलर फ्रेंड था, वो लोग फास्टस की जो एक टॉर्न बॉडी, उन लोगों को फास्टस की एक टॉर्न बॉडी मिला है, मतलब फास्टस की बॉडी का टुकड़ा टुकड़ा हो गया था ऐसा लग रहा था। एंड वो स्कॉलर जो है वो फिर डिसाइड करते हैं कि फास्टस के लिए वो लोग एक फ्यूनरल रखेगा। सो फ्रेंड्स, यही था फास्टस की कहानी बाय क्रिस्टोफर मार्लो। सो इस प्ले की एंड पे एक एपिलॉग है जहाँ पे कोरस ऑडियंस को बोलते हैं कि फास्टस की जो ये सीख है, सीख से आप लोग भी सीखो एंड ऐसी बुरी कर्म मत करो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मुझे लगता है कि मैं इस प्ले के साथ जस्टिस कर पाई हूँ, मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, ढेर सारे शेयर करना इस वीडियो को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो बाय फॉर नाउ, सी इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून।